हाय, केम छो? मजा में छो? आज का टॉपिक है कि डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा कौन सी है। बहुत लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि सर कोई बढ़िया सी दवा बता दो डिप्रेशन की, हम ये दवाई खा रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या हम शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी दवाई खाएं। तो यही टॉपिक है। और कहते हैं कि सबसे अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपको ठीक कर दे, ठीक है, सही सलाह देते, वही सबसे अच्छा डॉक्टर है। ठीक है, तो किसी को किसी डॉक्टर के पास जाके आराम आता है, किसी को किसी के पास जाके आराम आता है। तो बस ऐसे कुछ है डिप्रेशन की दवाइयाँ। अगर आप ये पूछें कि सिंगल एक दवाई का नाम बताओ तो शायद नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक वो भी है कि दवाइयाँ ऐसे नहीं दी जाती कि किसी को कोई भी दवाई उठा के दिखा दे दो। एक चीज़ तो बात है कि सारी दवाइयाँ इक्वली इफेक्टिव होती हैं, ये बात कंफर्म है कि सारी दवाइयाँ इफेक्टिव होती हैं इक्वली, लेकिन साइड इफेक्ट सबके अलग अलग होते हैं, इसी वजह से दवाइयाँ सबकी अलग अलग होती हैं। और दवाइयाँ इस बात पे दी जाती हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या हैं, किस दवाई से नींद आती है, किससे कम आती है, किससे नहीं आती है, आप वर्किंग हो या ओल्ड एज वाले हो, घर में पड़े रहते हो सारा दिन, है ना, आपको शुगर है, कुछ और क्रॉनिक मेडिकल इलनेस है, हार्ट प्रॉब्लम है, इस पे भी सोच के दवाई दी जाएगी। तो कोई ऐसा एक और आपको पहले पहले भी डिप्रेशन की दवाई दी गई थी, तो पहले वो वाली दवाई दी गई थी तो वो आपको सूट नहीं करी, फिर आपको ये दवाई दी गई तो वो आपको सूट करी। तो इससे भी अंदाजा लगाना पड़ता है कि इस बंदे को कौन से ग्रुप की दवाई सूट करेगी। पहले चलिए बता, और कॉस्ट, यस कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए, ज़्यादा महंगी दवाइयाँ भी नहीं होनी चाहिए, डिपेंड करता है ना अगले बंदे पे। तो पता चला कि तुमने तो उसका डिप्रेशन और बढ़ा दिया 100 रुपये की गोली दे के, और एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और कुल मिला के जनरली 5 ग्रुप होते हैं मेडिसिंस के जो डिप्रेशन की है। और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली दवाई SSRI है, जिसको बोलते हैं सीरोटोनिन। क्या नाम सुना सीरोटोनिन का? चलिए, सीरोटोनिन एक केमिकल लोचा होता है, और कहा जाता है एक केमिकल होता है ब्रेन में, और यही बताया जाता है कि डिप्रेशन ये एंग्जाइटी जो केमिकल लोचे की वजह से होता है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सीरोटोनिन हार्मोन। तो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिंस का एक ग्रुप है। 5 ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ जिसकी दवाइयाँ हम देते हैं, SSRI, SNRI, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। लेकिन ये सबसे लास्ट वाला जो है ये सबसे कम दिया जाता है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। सबसे ज़्यादा दवाई दी जाती है SSRI, उसके बाद SNRI और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, ये 3 दवाइयाँ सबसे ज़्यादा दी जाती हैं। हाँ, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी दी जाती है, TSA जिसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा केस में, लेकिन साइड इफेक्ट सबके अलग अलग हैं, इसलिए उसके हिसाब से दवाई देनी पड़ेगी आपको। SSRI ग्रुप में दवाइयों के नाम नाम बताऊंगा, फिर आपको काम की बात अभी बताता हूँ। दवाइयों के नाम है जैसे कि सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, और फ्लुओक्सीटीन, सर्टालीन, पेरोक्सीटीन। सबसे ज़्यादा दवाई यूज़ अगर की जाती है तो वो ये इस ग्रुप की जाती है, SSRI जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो SNRI ग्रुप है उसमें आती है डेलोक्सीटीन, वेनलाफेक्सिन, वेनलाफेक्सिन, ये आती है। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है बिप्रोपियोन। बिप्रोपियोन मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, उसका एक कारण बताऊंगा, हालांकि और दवाइयाँ भी हैं, मिटाजापिन है, ट्राजाडोन है। अब देखो, उसके बाद ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें एमीट्रिप्लिन, नॉरट्रिप्टिलिन है ना, इमिप्रामिन, इमिप्रामिन, तो ये हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। चलिए, और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम यूज़ ही नहीं करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक पहले तो ये बता दूँ कि जो भी हम डिप्रेशन की दवाइयाँ देते हैं इनका असर आने में 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है। सबसे ज़्यादा फास्ट एक्टिंग जो दवाई है वो है एसकेटामिन, लेकिन इसके साइड इफेक्ट इतने हैं कि हम लोग यूज़ नहीं करते, ये हॉस्पिटल सेटिंग में ही देनी चाहिए। लेकिन एक दवाई, डिप्रेशन की दवाई का असर आने में 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। अगर वो दवाई 8 हफ्ते तक काम नहीं करती है तब हम मानते हैं कि ये दवाई काम नहीं कर रही है, अब इसको बदल डालो, इसको बदल दो। तो 2 महीने का समय चाहिए होता है, तो पेशेंस काफ़ी रखना पड़ता है। और कई बार हम एक सिंगल मेडिसिन से शुरू करते हैं डिप्रेशन की, कई बार लगता है कि बहुत सीवियर डिप्रेशन है, पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसी भी है, तो कॉम्बिनेशन में भी देनी पड़ती है कि इसको SSRI के साथ हम कुछ एटिपिकल एंटी डिप्रेशेंट भी दे दें,
जैसे कि हम लोग देते हैं सीवियर डिप्रेशन में। अगर बहुत सीवियर डिप्रेशन नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो आप सिंगल एक एंटी डिप्रेसेंट के साथ उसको दे सकते हैं। शुरू में कई बार एंग्जोलिटिक भी देनी पड़ती है कि नींद नहीं आ रही, बाद में हम लोग धीरे धीरे उसको बंद कर देते हैं एंग्जोलिटिक को। और SSRI एक ऐसी मेडिसिन है जो डिप्रेशन एंग्जाइटी दोनों में दी जाती है, ठीक है, और SNRI भी। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पेशेंट है जिसको SSRI और SNRI मेडिसिन से सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, तो उस पेशेंट के लिए ए टिपिकल एंटी डिप्रेशन यानी बिप्रोपियोन सबसे अच्छी मेडिसिन है। बिप्रोपियोन से वेट भी कम होता है, तो जहाँ पे वेट इशू है तो वहाँ पे इस दवाई को ऐड करके हम बाकी दवाइयों के साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं, स्पेशली वजन बढ़ने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ पे नींद की प्रॉब्लम है, जहाँ नींद नहीं आ रही है, तो वहाँ पे ट्रेजोडोन बहुत अच्छी दवा है। जहाँ पे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन भी है, वहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यानी कि जैसे एमिट्रिप्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है। तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको बाकी मेडिकल कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि इसको साथ में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बंदे को नींद ज़्यादा आती है, जरूर से ज़्यादा आती है, तो हम उसको ऐसी दवाई देंगे जो नींद ना बढ़ाए। और ऐसी SSRI काफ़ी सारी हैं जो जिनसे नींद नहीं आती है, तो हम दिन में दे, फ्लुएक्सिटीन जैसे है, तो एक तरह से वो नींद ज़्यादा नहीं करती, तो उसको दिन में दे सकते हैं हम। और सरकारी हॉस्पिटल में फ्लुएक्सिटीन सबसे ज़्यादा दी जाती है क्योंकि सस्ती है, मिलती भी वही है सबसे ज़्यादा। बच्चों में एसिटालोप्राम सबसे ज़्यादा सेफ अभी तक मानी गई है, अगर हम बच्चों की बात करें तो एनीवेज मैं कोई एक साइकेट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हम फिजिशियन भी ये डिप्रेशन का इलाज करते हैं। लेकिन जहाँ हमें लगता है कि सीवियर डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी है, तो हम पेशेंट को रिफ़र भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें लीगल इश्यूज बहुत हैं, लीगल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो मैं जूनियर डॉक्टर को भी बोलूँगा कि डिप्रेशन का इलाज करते समय ज़्यादा ओवर एंथोजियास्टिक ना बने। डिप्रेशन जहाँ पर नहीं ठीक होता है, जहाँ पर रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, तो वहाँ पर ICT क्या बताता हूँ उसको, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको अगले उसमें शुरू करूँगा। ICT नहीं बोलना था मुझे, ECT बोलना था, तो मैं उसको अगले उसमें करूँगा कि रेजिस्टेंट डिप्रेशन के। मैं आज दवाइयों की बात कर रहा हूँ, यह हम दवाइयों की बात कर रहे हैं, हम किसी और थेरेपी की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ सर्जरीज भी की गई हैं, जैसे पार्किंसन में की जाती है ब्रेन की, तो डीप स्टिमुलेशन सर्जरी, वहाँ पे एक डिप्रेशन के पेशेंट, अभी महाराष्ट्र में भी सर्जरी की गई है जहाँ पे डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा था। तो जहाँ पे दवाइयाँ नहीं काम करती, वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं हमारे पास, जहाँ पे रेजिस्टेंट डिप्रेशन के केसेस हैं, ठीक है। और मुझे सेक्रेटरी बहुत अच्छी लगती थी, मुझे लगता था कि अगर मेंटल हेल्थ ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक हो सकता है, आपका ब्रेन आपके वश में है। तो इसीलिए मैंने अपनी बेटी को ये बोला कि तू सेक्रेटरी से ही बनना आने वाले समय में, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि क्योंकि हमारा सब कुछ हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। लाइफ में सक्सेस मिलना ना मिलना, एंथुजियास्टिक बनना, सक्सेस पाना, इसके पीछे आपके सिर्फ दिमाग का काम होता है, किसी और चीज़ का नहीं है। कहते हैं कि सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं बोलूँ कि अगर सफलता के पीछे औरत का हाथ है तो औरत के दिमाग का हाथ है, आपके दिमाग का हाथ है। दिमाग ठीक तो सब कुछ ठीक। दिमाग तुझे बोलेगा भाई एक्सरसाइज कर, दिमाग कहेगा नहीं भाई क्या करना एक्सरसाइज करके, दारू पी, तो ये दिमाग है जो आपसे काम गड़बड़ कराता है। इसी में अगर आप जब आप बहुत डाउन हो जाते हैं, डिसीजन गलत लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि एक दवाई आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसीलिए लोगों को ये होता है कि यार डिप्रेशन की दवाई खाऊंगा, आदत पड़ जाएगी, ये है वो है, ज़िंदगी भर मौत मरते हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं भाई ज़िंदगी जीनी है ना, एक बार मर ले, दवाई खा के मर, मरना ही है तो एक बार मर, ये रोज कुत्ते की ज़िंदगी मत जी। अगर दवाई खाने से तेरी पूरी ज़िंदगी ठीक हो सकती है तो भाई खा ले, इतनी गंद गंद तूने बाहर का खाया है, दारू पिए, सुट्टे मारे, सब कुछ करा, तब भी कुछ नहीं हुआ तुझे। लेकिन एक दवाई खाने से डरता है तू, आदत ना पड़े, आदत ना पड़े। सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम ना हो, सच बता रहा हूँ, जिंदगी भले ही बर्बाद हो जाए, सेक्स नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एनीवेज मैंने आज कोशिश करी है, तो सबसे अच्छी मेडिसिन अगर मैं बोलूँ तो जैसे अल्कोहलिक में हम मेटाजापिन देते हैं, SSRI देते हैं, तो कुल मिला के डिपेंड करता है पेशेंट के पेशेंट प्रोफाइल पे। हर ज़्यादातर केसेस में SSRI दी जाती हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को SSRI देनी है, हर पेशेंट को सर्टालिन देनी है, हर पेशेंट को फ्लुएक्सिडिन देनी है, हर पेशेंट को एसिटिलोप्राम देनी है। आपको कॉम्बिनेशन में भी देनी पड़ती है और चेंज भी करनी पड़ती है अगर पेशेंट के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। एक दवाई के साइड इफेक्ट कुछ अलग हैं, दूसरे के साइड इफेक्ट कुछ अलग हैं, लेकिन SSRI SNRI इनके साइड इफेक्ट काफ़ी कम है, जल्दी बहुत अच्छी वेल टॉलरेटेड मेडिसिन है। तो एक अगर दवाई पूछोगे कि सर एक मेडिसिन बता दो जो सबसे अच्छी हो, ऐसा मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं ग्रुप बता सकता हूँ कि हाँ SSRI ग्रुप
सबसे कम साइड इफेक्ट वाला है, सबसे कॉमनली यूज ग्रुप है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये दवाई काम करे, हो सकता है आपको कोई दूसरी दवाई काम करे, हो सकता है ये दवाई भी साइड इफेक्ट कर दे, हो सकता है आपको कोई तीसरी दवाई काम करे। इसीलिए इतने सारे ग्रुप की मेडिसिन यूज की जाती है और हर पेशेंट में अलग अलग रिस्पॉन्स आता है। और कहते हैं ना कि जो डॉक्टर ठीक कर दे वही डॉक्टर बेस्ट होता है, जो मेरे से ठीक होगा वो मुझे बेस्ट मानेगा, वो दूसरे डॉक्टर से ठीक हुआ वो उसको बेस्ट मानेगा। तो इसी दवाइयों का भी यही हाल है, ठीक है। तो कुल मिला के पेशेंस रखना पड़ता है, दवाइयों का असर आने में टाइम लगता है, तो ज़्यादा जल्दी मत करिएगा। और नेचुरल तरीके से डिप्रेशन को भगाना है तो फिर वही है, योगा, मेडिटेशन, वॉक, डाइट अच्छे रखें, दारू वारू मत पिए, सुट्टे मत मारें, एल्कोहल के अलावा अच्छे दोस्त बनाएं, थोड़ा बाहर निकलें, धूप सेकें, है ना। घर के अंदर मरे मरे रहोगे तो डिप्रेशन होगा ही होगा। बाहर दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, पॉजिटिव माइंड वाले दोस्त बनाओ और घर से निकलो, बाहर निकलो। सारा दिन घर में बैठे रहने से डिप्रेशन और बढ़ता है। और टाइम पे सो और टाइम पे उठो। क्या बोले तुमना भाई, ए सोचना क्या, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। जी हाँ, सोचना नहीं है, उठ और कर्म पथ पे आगे बढ़। दवाई खा के अगर तू ठीक हो सकता है तो खा ले भाई, ये केमिस्ट की बात, फलाने दोस्त ने ये बोल दिया, घर वाले कहते हैं नहीं ये दवाई नहीं खानी आदत पड़ जाएगी। अबे आदत तो तुझे हर चीज़ की है, चाय पीने की आदत तुझे है, सुट्टा मारने की आदत तुझे है, बीबी को झेलने की तुझे आदत पड़ गई, नहीं पड़ गई, जिसको तू नहीं झेल पाता था, सबको तू झेल रहा है, लेकिन दवाई नहीं खानी। उस दवाई ना खाने के चक्कर में तूने 100 दुश्मन बना लिए, अपने काम धंधे चौपट कर लिए, क्योंकि तुम्हें डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे डिसीजन भी गलत इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो केमिकल लोचा है, हाँ ये ठीक नहीं है तेरा। इस केमिकल लोचे को ठीक करना है तो डॉक्टर के पास जाओ और जो कहता है करो। थैंक यू वेरी मच, बाय। और दवाइयाँ 4 से 6 महीने देके कम भी कर देते हैं और बंद भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।